हेलो गाइस, इट्स बॉक्सर। तो आप सभी का स्वागत है नए ब्लॉग में। चलिए तो भाई, आज 5 साल बाद जाना हुआ इस पानीपत दोबारा से, और आज कुछ बैंक के काम से जाना पड़ रहा है, और मैं 5 साल से नहीं गया था। तो आज सभी को, आप भोपाल स्टेशन आया था तो भोपाल स्टेशन नया बना हुआ है, तो अभी मेरी गाड़ी 3 घंटे लेट है। तो मैंने सोचा एक आप लोगों को एक टूर दे दूँ छोटा सा पूरे स्टेशन। बोलो भारत माता की जय, हमारा प्यारा झंडा जो कि सामने ही लगा हुआ है, और ये सामने देखिए, ये पूरा का पूरा स्टेशन है जो बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है अपना भोपाल जंक्शन। चलिए तो अंदर लेके चलते हैं। भोपाल भाई, ये है इधर पूरा का पूरा वेटिंग रूम है, उधर सामने है, इधर टिकट काउंटर्स हैं बहुत सारे, सभी लोग टिकट विकेट बना सकते हैं। सामने घड़ी लगी हुई है, ये भाई पूरा बहुत ही बढ़िया बना रखा है, ऊपर डीजे से लगा रखे हैं। ये ट्रेन कोई जाने वाली है, सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अपनी गाड़ी है 3 घंटे लेट, तो बस अपन आगे फाइनली वेटिंग रूम में बैठते हैं। भाई ये तो फाइनली पहुंच गया मैं दिल्ली कश्मीरी गेट। भाई यहाँ पे तो बहुत सिस्टम है पूरा बदल दिया भाई आने जाने का। ये देखो पूरा कश्मीरी गेट देखो, पहले आता था ना भाई तो सीधा गेट से अंदर, अब तो सीढ़ियों से ऊपर, फिर वो टनल से अंदर, और फाइनली जाके फिर इधर पहुंच रहा हूँ अपने घर सोनीपत माँ बाबू के पास। कुछ दिन में कुछ मिनट में, 1-2 घंटे बस भाई, कुछ शॉपिंग शॉपिंग का कर रखा है जो भी हो। मेरे हिसाब से यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, रेलिंग से नीचे, फिर उधर उधर से टिकट लेके सीधा बाहर। मेरे को पता नहीं टिकट विकेट का चेंज ना कर दिया इन लोगों ने, बहुत बदल दिया भाई। चल देखता हूँ यार, मेरे को बदला बदला लगा तो मैंने कहा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो, डालता हूँ भाई। भाई फाइनली मैं पहुँच गया बालगढ़। ये बालगढ़ है, ये पानीपत का रास्ता है, और ये भाई सोनीपत का। ये देखो ये भाई सोनीपत 8 किलोमीटर रह गया मेरा, गोहाना रोहतक मोहतक सारे रहते हैं, और ये पानीपत का रास्ता भाई फाइनली। कपड़ा सोनीपत पीछे रहा,